रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। आज हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस बायोलॉजी, टॉपिक हैं हमारे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। आज हमने ये दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ी थी, आज हम जो पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन का मीन है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, ठीक है। अब एक्सक्रीशन एनिमल्स में हमने देखनी है कि एनिमल्स किन चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करते हैं। सबसे पहले देखना यह है कि जानवरों में कौन सी चीज़ें हैं जो कि बाहर निकालते हैं। उनमें सबसे पहले तीन चीज़ें आती हैं, वाटर, नाइट्रोजनियस वेस्ट, सॉल्ट्स। अब ये जो वाटर और सॉल्ट्स हैं ये कंडीशन से रिलेटेड हैं। ये क्या करते हैं, दोनों कंडीशन से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। लेकिन नाइट्रोजनियस वेस्ट को निकालना बॉडी से ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अब वाटर और सॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन से रिलेटेड है। अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट अगर हमारे पास हाइपोटोनिक है तो वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, तो ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट। लेकिन अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स में क्या आता है, ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। जब आपके पास हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा तो वो कंडीशन आपके पास सॉल्ट से रिलेटेड है, अगर हाइपो होगा तो वो वाटर के रिलेटेड है। और नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारे पास क्या है, मेजर आपके पास कंपोनेंट है जिसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट करना है। आज हमने नाइट्रोजनियस वेस्ट को डिस्कस करना है कि कैसे प्रोड्यूस होती है और किस तरह से वेस्ट आउट होती है बॉडी से, किन हम इसको फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट डिस्कस करना है, उसमें हमने नाइट्रोजनियस वेस्ट में सबसे पहले उसकी प्रोडक्शन देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट था वो था नाइट्रोजनियस वेस्ट, जो कि एक्सक्रीशन करनी है। नाइट्रोजनियस वेस्ट की एक्सक्रीशन ज़रूरी है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक्सक्रीशन में हमने बात, नाइट्रोजनियस वेस्ट के एक्सक्रीशन में हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या है कि जब भी कैटाबॉलिज्म होती है अमाइनो एसिड्स की, वो अमाइनो ग्रुप रिलीज़ करते हैं, तो वो अमाइनो ग्रुप जो रिलीज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डीअमाइनेशन। तो अब ये जो अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड्स रिलीज़ हुआ है या नया अमाइनो एसिड्स बनाने में यूज़ होगा, या तो वो रिमूव कर दिया जाएगा या फिर रीयूज्ड हो जाएगा। तो दो तरह से इसको हम, जो अमाइनो एसिड निकला है उसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। तो अब इसमें क्या है, बॉडी से बाहर जो अमाइनो एसिड रिलीज़ हुआ है या नया अमाइनो एसिड जो बनेगा वो या तो रीयूज्ड हो जाएगा या फिर उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब एक्सक्रीशन की बात करें तो अमाइनो ग्रुप क्या है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए रिसाइकलिंग के लिए यूज़ हो। अगर तो वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसके लिए क्या है, वो ब्लड प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज़ कर देगा। जब भी हम बात करते हैं कि अगर हमारे ब्लड में अमाइनो ग्रुप या अमाइनो ग्रुप से बनने वाले प्रोडक्ट का लेवल ज़्यादा हो जाए, मतलब कि ये जो अमाइनो एसिड निकला है इससे, ये अमाइनो एसिड ग्रुप या इससे बनने वाले प्रोडक्ट क्या है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर उससे हम देखते हैं कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। एक तो है कन्वर्जन, ये क्या है, बॉडी में झटके वगैरह जो लगते हैं, कोमा और इवेंचुअली डेथ हो सकती है। तो ये अमाइनो या नाइट्रोजन किन शक्लों में हम रिलीज़ कर सकते हैं, मोस्टली अब इसकी भी आगे तीन फॉर्म है जिसकी वजह से ये रिलीज़ हो रही है। एक तो नाइट्रोजनियस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन्स किस फॉर्म में रिलीज़ होगी, यूरिया फॉर्म में, यूरिक एसिड में या अमोनिया में। लेकिन ये तीन मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो इनमें से क्या है, मोस्टली नाइट्रोजनियस वेस्ट रिमूव हो रही होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा लेवल पे हो रही है, कुछ कम लेवल पे हो रही है। अब हमने वन बाय वन इनको डिस्कस करना है कि अमोनिया कितने लेवल पे हो रही है, यूरिया और यूरिक एसिड। हमने नाइट्रोजनियस वेस्ट को डिस्कस किया कि उसमें प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन किस तरह से हो रही है। एक्सक्रीशन में हमने बात की थी कि जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप हमने रिलीज़ हुआ है, प्रोडक्शन में जो अमाइनो ग्रुप रिलीज़ हुआ है उसमें वो अमाइनो ग्रुप क्या है, या तो दोबारा रीयूज़ हो जाएगा या बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बॉडी से वो दोबारा रीयूज़ ना हुआ
या रिमूव बॉडी से नहीं किया तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल था, ठीक है। उससे हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी कि उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेथ भी हो सकती है, कोमा वगैरह। लेकिन अब हमने देखना है कि ये जो अमाइनो या नाइट्रोजन है इसको किन शक्लों में हम रिलीज़ करते हैं। मोस्टली ये रिलीज़ होती है कि ज़्यादा अमाउंट में अगर हम बात करते हैं तो इसकी बेसिकली तीन शक्लें हैं जिससे ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है। वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? एक तो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इन तीन शक्लों से नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा रिमूव हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कम नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज़ होगी, लोअर क्वालिटी नाइट्रोजन की क्या है, वो कुछ उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। एक है क्वारंटीन, क्वारंटीन ट्राइबथाइल अमाइड ऑक्साइड्स। स्मॉल क्वांटिटी अगर हम देखें कि और लोअर ज़्यादा ही उससे जो छोटी फॉर्म में उससे ज़्यादा उसकी कम क्वांटिटी निकल रही है बॉडी से, वो है प्यूरीन एंड पायरामिडीन्स। इनकी शक्ल में क्या है, नाइट्रोजन रिलीज़ हो रही है लेकिन प्यूरीन और पायरामिडीन्स बहुत कम क्वांटिटी है, क्योंकि इनमें क्या है, प्यूरीन और पायरामिडीन्स को बॉडी से निकालने से पहले ही मज़ीद तोड़ दिया जाता है। अब जिन कंपाउंड के अंदर तोड़ा जाता है उनमें हमारे पास आ जाते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हाइपोजैंथेन, जैंथेन, एलोटोइन। ये क्या है कि जिनके अंदर प्यूरीन और पायरामिडीन्स को तोड़ा जाता है। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। अब ये हमने डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसका मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन मुख्तलिफ शक्लों में निकलती है। तो इसमें तीन बड़ी हमने शक्लें पढ़ी थी, फॉर्म्स पढ़ी थी, वो कौन सी थी, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। लेकिन हर एनिमल में क्या है, ये तीन फॉर्म्स नहीं पाई जाती। तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी क्या है निकलती है, लेकिन मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या तो अमोनिया होगी, यूरिया या यूरिक एसिड। लेकिन डिपेंड अपॉन के हैबिटेट, डिपेंड करता है कि वो किसके उसके हैबिटेट पर, कि उसकी हैबिटेट क्या है। तो उसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट के लिहाज से अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो वो अमोनिया भी हो सकती है, यूरिया भी और यूरिक एसिड भी। अब हमने सबसे पहले डिस्कस करना है अमोनिया को। अमोनिया हमारे पास क्या है, NH3। ये जब भी अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होती थी तो उससे बनने वाली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया थी। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वेरी टॉक्सिक है, क्विकली डिसॉल्व हो रही है बॉडी फ्लूइड में। तो ये क्या है, हमारे पास अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये क्या है, एक तो वह बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और दूसरा डिसॉल्व हो जाती है इजीली फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में। लेकिन इसमें इसकी ज़रूरत क्या है, नीड होती है कि शुड बी कैप्ट इन लो कंसंट्रेशन। हम इसको लो कंसंट्रेशन पे रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जब भी हमने इसको रिमूव करवाना है, एल्यूमिनेशन इसकी होनी है, तो उसमें लोअर कंसंट्रेशन मेंटेन होगी क्योंकि इसमें लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर है। जब भी इसको निकालना है अमोनिया को, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो उसमें अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर 500 ml वाटर है रिक्वायर्ड, तो उसके 500 ml वाटर रिक्वायर्ड है तो उसे 1 gram अमोनिया एक्सक्रीट होते हैं। तो उसमें क्या है, एनिमल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। अगर है एनिमल का हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो अमोनिया उससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब ये इतना सारा बॉडी में पानी क्या है, ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो उसमें रहने वालों के लिए, जानवरों के लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है कि उनकी बॉडी में ज़्यादा वाटर होगा तो वो क्या है, उसी वजह से उसको वाटर को बाहर निकाल लेंगे। तो उसके लिए बॉडी में अमोनिया बना लेते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो अमोनिया जिस तरह ज़्यादा है, वाटर भी उतना ही ज़्यादा निकलेगा। अगर हम देखते हैं फिश है, उसमें क्या है, अमोनिया, वाटर अगर ज़्यादा रिमूव कर रहा है तो साथ में अमोनिया भी उतना ही रिमूव होगा। तो ये क्या है, जितना उसको निकालने के लिए वाटर रिक्वायर है, उसके लिए अमोनिया 1 gram निकालने के लिए वाटर भी ज़्यादा रिक्वायर है। तो ये क्या, इसके लिए वाटर की अमाउंट हमें ज़्यादा पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, मोनोटैलिक।
हम मोनोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी से अमोनिया को दूर करते हैं। हमने बात की थी अमोनिया की, तो अमोनिया में हमने मोनोटैलिक पढ़ा। मोनोटैलिक में क्या था उसकी डेफिनेशन की बात करें तो अमोनिया एक्सक्रीटरी एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटैलिक। ये क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को दूर कर रहे हैं अपने से, तो वो बॉडी से अमोनिया को रिमूव कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मोनोटैलिक। इसकी एग्जांपल क्या है, मोस्ट एक्वेटिक फिश वगैरह, उसमें फ्रेश वाटर हाइपोटोनिका आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है यूरिया। यूरिया में क्या है, अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है कि बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं अमोनिया को चेंज करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फिर उसके ऑल्टरनेटिव वे में चेंज करते हैं कि अमोनिया के लिए वाटर ज़्यादा रिक्वायर है, अगर वाटर ज़्यादा नहीं होगा तो उसके लिए दूसरा वे चेंज कर क्या करेंगे, अमोनिया को चेंज करेंगे लेस टॉक्सिक यूरिया में। तो ये क्या हुआ कि अमोनिया के लिए वाटर ज़्यादा रिक्वायर्ड था, लेकिन अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया की एलिमिनेशन की बात करें तो उसमें क्या है 50 ml वाटर रिक्वायर है 1 gram ऑफ यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए, 1 gram यूरिया, तो उसके लिए 50 ml वाटर रिक्वायर्ड है। लेकिन हमने अमोनिया की बात की थी तो अमोनिया में 500 ml रिक्वायर्ड था 1 gram ऑफ अमोनिया। तो इसमें क्या है कि इस वजह से अगर वाटर कम है तो उसको हम चेंज कर लेते हैं लेस टॉक्सिक में। लेकिन किस तरह से हम चेंज करते हैं, अमोनिया को कैसे यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम बात करते हैं यूरिया साइकिल की। यूरिया साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या है, काफ़ी मेटाबॉलिज्म एंजाइम मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ये काम हो रहा है। तो ये हमारी बॉडी में अगर हम बात करते हैं यूरिया साइकिल में, तो मेटाबॉलिज्म एंजाइम वगैरह जो कि इसको चेंज आउट करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी के अंदर बात करें तो ये हमारी बॉडी में लिवर के अंदर काम हो रहा है। तो यूरिया साइकिल को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से यूरिया साइकिल अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होते हैं। डिस्कस करते हैं यूरिया साइकिल की। सबसे पहले एनिमल की बॉडी के अंदर ऑर्थनिन अमाइनो एसिड्स पड़ा होता है जिसने यूरिया साइकिल स्टार्ट करना है। जब भी ऑर्थनिन अमाइनो एसिड्स क्या है, उसने यूरिया साइकिल एक अमाइनो ग्रुप और कार्बन डाइऑक्साइड आए हैं तो दोनों ने मिलकर क्या सिट्रोलिन बनाया है। सिट्रोलिन ने आगे आर्जिनो सक्सिनेट में कन्वर्ट किया है। कुछ एंजाइम हैं जिन्होंने आर्जिनिन में कन्वर्ट किया है और यहाँ पे आर्जिनेज एंजाइम जिसने इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे ऑर्थोनिन दोबारा हमें मिल गए हैं नेक्स्ट यूरिया साइकिल चलाने के लिए। अब इसमें क्या है, इस तरह से ये यूरिया साइकिल क्या है अमोनिया से कन्वर्ट कर रहे हैं यूरिया में। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया ग्रुप यूज़ हुए हैं। तो इसमें बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक, अमोनिया ग्रुप हमारे पास दो यूज़ हो रहे हैं। तो अगर इन दोनों की बात करें, दोनों मिलकर ये क्या बना रहे हैं हमारे पास यूरिया, और वाटर साथ में इनके रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ एक यहाँ पे भी आएगा, दो अमोनिया ग्रुप और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या करते हैं यूरिया साइकिल बना रहे हैं और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है यूरियोटैलिक की अगर हम बात करें, टैलिक का मीन होता है कि दूर कर देना या रिमूव कर देना। तो यूरिया का मीन एनिमल एक्सक्रीटिंग यूरिया, के जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं उसे कहते हैं यूरियोटैलिक। तो इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो इनमें मैमल्स, एम्फीबियंस और फिश, शार्क फिश या बोनी फिश वगैरह आती हैं। और यूरिया साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड में क्या करते हैं, एनिमल इनहेबिटिंग इन्वायरमेंट ऑफ एक्यूट शॉर्टेज रिक्वायर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या है कि ये ज़्यादा कम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करेंगे क्योंकि इसके लिए बहुत कम मिनिमम लॉस ऑफ वाटर रिक्वायर है। तो अगर हम बात करते हैं कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है, जस्ट ओनली 1 ml वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 gram ऑफ यूरिक एसिड के लिए। क्या है कि इसमें एनिमल्स को ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे शॉर्टेज हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कम वो एक्सक्रीट कर सकें क्योंकि वहाँ पे वाटर के अमाउंट कम है। तो आगे अगर हम इसकी यूरिकोटैलिक क्या है कि एनिमल जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं इस कार्ड यूरिकोटैलिक। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल।
बर्ड्स ऐसे हैं एरिड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एरिड इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें पानी बहुत कम है, हवा में सर्वाइव करते हैं कि वहाँ पे पानी की मकदार बहुत कम होती है। तो ऐसे एनिमल्स क्या हैं, यूरिकोटैलिक हैं। तो ये सारा क्या था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करने की डिपेंड करती थी नेचर के, एनवायरनमेंट उनका किस तरह का है। अगर तो ज़्यादा पानी वाला है तो वहाँ ज़्यादा पानी उसको चाहिए, अमोनिया रिलीज़ करेंगे। अगर कम है तो फिर क्या है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत कम पानी है तो वो क्या है, यूरिक एसिड वगैरह रिलीज़ करेंगे। तो ये क्या सारे डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट पे कि किस तरह से एनिमल्स अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। हमने देखना है कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला है हमारे पास वो है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाते हैं नेडेरियन। नेडेरियंस क्या है, नेडेरियन फाइलम से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनको हम कहते हैं नेडेरियंस। तो इसमें अगर हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ें तो ये सिंपल ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रा नेडेरियंस हैं, फाइलम इनका नेडेरिया है, और जो ऑर्गेनिज़म नेडेरिया फाइलम से बिलोंग करते हैं उसको हम कहते हैं नेडेरियंस। और इसमें कोई ख़ास स्पेशल सिस्टम नहीं होता। ये क्या करते हैं, हमने ये फर्स्ट ईयर में भी कुछ इसके टॉपिक्स पढ़े थे कि इसमें कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी वेस्ट मटेरियल इन्होंने बाहर करना है डिस्पोज ऑफ, तो क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ही कर देते हैं। किस तरह से, अगर हम बात करते हैं वाटर और सॉल्ट्स की, इसमें क्या है, वाटर और सॉल्ट्स की मूवमेंट नहीं हो रही। वहाँ जब भी ऑर्गेनिज्म में क्या है कि आइसोटोनिक या आइसो ओस्मोटिक इन्वायरमेंट है। वाटर और सॉल्ट्स की अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो इनमें क्या है, इनकी सराउंडिंग आइसो ओस्मोटिक या आइसोटोनिक है। तो इसमें वाटर और सॉल्ट्स की मूवमेंट नहीं होती जब भी ऑर्गेनिज्म आइसो ओस्मोटिक या आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हों। तो वहाँ वाटर और सॉल्ट की मूवमेंट नहीं हो रही, इस वजह से आप कह सकते हैं कि बाहर वाले इन्वायरमेंट में ही अपना वो नाइट्रोजनियस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो इनकी अगर हम बात करते हैं सराउंडिंग की, तो जो इनकी सराउंडिंग है वो बॉडी फ्लूइड के लिहाज से आइसो ओस्मोटिक हैं। आइसो ओस्मोटिक का मीन आइसोटोनिक है कि वो सेम हैं। इस वजह से इनमें कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है। जब भी इन्होंने करनी मूवमेंट तो अपने और बाहर इन्वायरमेंट में आइसोटोनिक मूवमेंट कर देनी है। आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो थे हमारे पास एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, रिलेशंस ऑफ हैबिटेट ऑर्गेनिज़म्स की, और नेक्स्ट था हमारे पास एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।